नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। नेपालक राजनीति में नया मोड़, मोर्चा शीर्ष नेता सब रवि दिन दिल्ली जेता, तत्काल वार्ता स्थगित। कांग्रेस कहने जका संविधान संशोधन कर, तीन दल सहमत। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराय आ तमलोपाक नेता त्रिपाठी से हो भारत प्रस्थान कलन। प्रधानमंत्री ओली के कारण देश आ मदेश में जटिलता बढ़ल, मानवाधिकार संगठन के आरोप। आप देश में राष्ट्रीय सहमति सरकार आवश्यक भ गेल, कांग्रेस महामंत्री सीटौला कहब। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा में आबद्ध चारू दलक अध्यक्ष सब रवि दिन भोर भारत के राजधानी नया दिल्ली प्रस्थान करबाक निश्चित भेल अछि। तमलोपाक अध्यक्ष महंत ठाकुर, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना का अध्यक्ष राजेंद्र महतो आ तमसपाक अध्यक्ष महेंद्र राय यादव, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ विपक्षी कांग्रेस आई के अध्यक्ष सोनिया गांधी लगायत संगे भेंट कर मधेश में 110 से बेसी दिन से जारी आंदोलन के विषय में छलफल करबाक उच्च स्रोत जानकारी देने छ। ओ सब सोम दिन नेपाल घूर के कार्यक्रम है। नवलपुर के घटना के विरोध करे तराई मधेश में आंदोलनरत संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा बालवाटार के वार्ता बहिष्कार केने छ। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आ मधेशी मोर्चाक वार्ता साँझ में 5 बजे के लिए तय कल गया, मुदा सिंह दरबार में इकट्ठा भेल मधेशी मोर्चा के नेता सब बालवाटार नहीं पहुँच कर सीधे भारतीय दूतावास लेन चौर पहुँचल छल। नवलपुर घटना के विरोध में वार्ता में नहीं गेल सद्भावना पार्टी के महासचिव मनीष सुमन। पत्रकार सबके जानकारी करौलन जे नवलपुर घटना के विरोध में हम सब वार्ता बहिष्कार केने छी। नवलपुर में बृहस्पति दिन मधेशी मोर्चा केने सभा में पुलिस अंधाधुंध गोली प्रहार आम सभा भारने छल। उम्हर बालवाटार में साँझ में 5 बजे से तीन दलक शीर्ष नेता सब मधेशी मोर्चा के नेता सब के प्रतीक्षा केने छल। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार प्रमोद दहाल साँझ में 5 बजे से तीन दलक नेता सब बालवाटार में रहकर मोर्चा के शीर्ष नेता सब के प्रतीक्षा केने छल। उम्हर साँझ में 6 बजे बालवाटार में वार्ता करब जाय के लिए तय भेल मधेशी मोर्चा के नेता सब भारतीय राजदूत रंजीत रे के भेंट करल लेन चौर स्थित भारतीय दूतावास पहुँचल छलन। तमलोपाक अध्यक्ष महंत ठाकुर, तमसपाक वरिष्ठ नेता राम नरेश राय यादव, सद्भावना के सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण दूतावास में पहिने ही पहुँचल छल। तब फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ट्रैफिक जाम में पड़कर किछु देर देरी करैत लेन चौर पहुँचल छलन। रे के भेटलाक बाद मोर्चा के नेता सब दिल्ली भ्रमण तय केने छथि। तीन दलक नेता सब बालवाटार में मोर्चा के नेता सब के प्रतीक्षा कैलक। तेकरा बाद कांग्रेस नेता शेरबहादुर देवा आ एमाले के नेता माधव नेपाल मोर्चा के नेता सब नहीं आयल कहित आक्रोशित होत बालवाटार सब बहर आयल छलन। तीन मुख्य दल आ मधेशी मोर्चा बीच आई साँझ में बालवाटार में हाथ कहल गेल वार्ता मोर्चा के नेता सब नहीं अयलाक बाद स्थगित भेल अछि। 5 बजे से शुरू हैत कहल गेल वार्ता मोर्चा के नेता सब 6:30 बजे धरि नहीं अयलाक बाद संविधान संशोधन विधेयक आगू बढ़ेबाक निर्णय करैत तीन दल के बैसार सम्पन्न भेल। बालवाटार स्रोत के अनुसार मधेशी मोर्चा के नेता सब परामर्श के लिए भारतीय राजदूतावास लेन चौर पहुँचलाक बाद तीन दलक नेता सब उसका वार्ता आ बैसार दुनू सम्पन्न केने छ। प्रमुख तीन दल आंदोलनरत मधेशी केंद्रित दल संग सहमति के लिए 3 बजे साझा प्रस्ताव तैयार केने छ। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में शुक्र दिन साँझ में बैसल बैसार से मधेशी मोर्चा के मांग के विषय में सजिया अवधारणा तैयार कैल गेल अछि। बैसार से प्रदेश के सीमांकन आ राजनीतिक समिति गठन कर 3 महीना में निष्कर्ष लगाओल जेबाक आ संविधान में व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता जनाओल गेल अछि। तीन दल समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार में निर्धारण कर जका अगिलका सरकार संसद में दर्ता करौने संशोधन विधेयक के अगाड़ी बढ़ेबाक सहमत सेहो भेल अछि। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आ एकीकृत नेकपा माओवादीक शीर्ष नेता सब संसद में पेश भेल संविधान संशोधन विधेयक अगाड़ी बढ़ेबाक निर्णय कैलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल तीनों दलक शीर्ष नेता सब के बैसार से एहन निर्णय कैल गेल अछि। तीन दल संशोधन प्रस्ताव अगाड़ी बढ़ेबाक 3 महीना भीतर प्रदेश के सीमांकन निष्कर्ष लगाबे जका राजनीतिक समिति बनेबाक आ मोर्चा के आंदोलन फिरता लेबा प्रस्ताव करबाक निर्णय केने अछि। लेकिन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा एहिबेर सीमांकन के विषय में कोनो उधारी समझौता नहीं होबाक बतौलक अछि। बैसार से बहरात नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देवा एहि से अगिलका सरकार संसद में पेश केने संविधान संशोधन विधेयक अगाड़ी बढ़ाबा तीन दल सहमत भेल जानकारी करौने छथि। ओ आंदोलनरत मधेशी मोर्चा संग आई हैत कहल गेल वार्ता नहीं हैत बतौलन। बैसार से बहरात एमाले नेता माधव कुमार नेपाल मधेशी मोर्चाक नेता सब आई व्यस्त भेला से वार्ता होब नहीं सकल बतौलन। आई ओ सब नहीं एलन, ओ सब जहिया फुर्सत में
आयत आ वार्ता कर चाहत हम सब वार्ता करक लेल तैयार छी आ सजिया अवधारणा से बना चुकल छी एमाले नेता नेपाल के कहब छलन। जनकपुर में आंदोलनरत संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा सहित आन आन पक्ष सब आगामी दू दिनक विरोध के कार्यक्रम सब सार्वजनिक कैलक अछि। मोर्चा घटक दल सब के जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन संयुक्त युवा संघर्ष समिति मधेस नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष लोकन के विचार से जनकपुरक घर धनिक सब के व्यवसायी प्रयोजन के लिए लेने शटर के भाड़ा मीना कर वित्तीय संस्था सब के बैंक ब्याज मीना कर सहित शनि आ रवि के विरोध के कार्यक्रम सब सार्वजनिक कैलक अछि। मोर्चा जारी केने प्रेस विज्ञप्ति बमोजिम शनि के भोर 9 बजे पिराड़ी चौक से मोटरसाइकिल जुलूस तथा 1 बजे जनक चौक से विरोध जुलूस निकाल के निर्णय कैलक अछि। रवि के 9 बजे पिराड़ी जनकपुर के पिराड़ी चौक पर जमा भक सरकारी कार्यालय वित्तीय संस्था बाजार बंद कराब के निर्णय से कैल गेल अछि। धनसाक वीरेन्द्र बाजार में मातृका यादव नेतृत्व के राष्ट्रीय मधेस आंदोलन समिति शक्ति प्रदर्शन कैलक अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के कात में समिति जन प्रदर्शन करे संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा जनता के धोखा देत तैयो आंदोलन में कोनो फरक नहीं पड़त आ आंदोलन जारी रहत बतौलन। धनसाक पूर्वी गावि सबैला रघुनाथपुर जदुकहा बरमजिया चोरा कैलपुर सहितक गाम गाम से राजमार्ग पहुंचल मधेसी जनता सब मोर्चा उधारी में समझौता क आंदोलन बंद करत तौकर विपक्ष में आंदोलन कर रहल मोर्चा सब के अगुवाई में आंदोलन जारी राख तैयार रहल कहत सभा में वक्ता सब के हौसला प्रदान कने छल। कार्यक्रम में समितिक संयोजक मातृका यादव के अलावा श्रवण यादव बरबरिया सहितक नेता सब अपन अपन मंतव्य रखने छलन। अपन दम्भ से संविधान में 7 प्रदेशक गारंटी केने प्रमुख 3 दल कांग्रेस एमाले आ एकीकृत माओवादी मधेस में आंदोलन जारी रहल समय में राजनीतिक समिति गठन कर 3 महीनाक बाद सीमांकन के मुद्दा समाधान करब कहत संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा से वार्ता में आबिक सहमति करे के प्रस्ताव कर रहा है। जनकपुरक सर्वसाधारण सबसे पूछने छल सीमांकन के बाद में राजनीतिक समिति मार्फत निर्णय कर जका 3 दल अनन्य सजिया अवधारणा के संबंध में अहा के कहब की है अहा के बात जहिना के तहिना। खड़ियांज से धोखाधड़ी से कि मधेस प्रति ये निर्णय से धोखाधड़ी भ रहा है कल के दिन में मधेस के ऐसे बेसी दुखद पुगते ते हिसाब से बड़ी दू दिन एत दिन भेले कोनो बात नहीं 10 दिन आरो लेट हुए लेकिन सीमांकन के टुंगिया के हो गए। सीमांकन हमरा सब के तो सबसे पहले चाहिए और चीज के संशोधन हम सब बादों में करब लेकिन सीमांकन जनसंख्या के आधार पर जैसे निर्वाचन क्षेत्र समावेशी समानुपातिक जैसे हमरा सब के ये 3 टा चीज हमरा अखन के अखन चाहिए नगदी में अब कोनो उधारी नहीं अब मधेसी जनता है से पूर्ण रूप से आई बेर से जाग गेल छे जे घरों में बैसल छे ने ओहो जागल छे। बेटा कहबे कोनो चीज ले या नहीं ले सीमांकन ले बेटा कर जे एतेक मरलूँ हँ तो मरलूँ हँ फिर बेटो मरत आ बेटा यदि जिंदा रह गया तो कहत मैं इसे कौन लड़ाई लड़ल 100 आदमी मरल आ फिर हमहूँ मरबे हमर बाद हमर पोतो मरते नहीं अई बेर वार पार दे की दे खून ले मगर हमर अधिकार दे 1 इंची नहीं 1 इंची सीमांकन के आगे लो लेबे आ पीछा 1 इंची नहीं होते आ जब हटबो करते तो मधेसवादी युवा अपन अधिकार ल के छोटे अमे नेता के आंदोलन जन आंदोलन है हाँ वार्ता में बैठ रहा है ग्रहता हम सब देव हम सब ये कहे सीमांकन अहाँ सब ल के छोड़ू भौगोलिक हिसाब से हम तो नहीं मारब जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र में हर निकाय में समानुपातिक के हर निकाय में होबक चाहिए समावेशी वाला वो सिस्टम जो है वो हम तो जनता मध्य जनता कदापि नहीं मानते हर निकाय में तो होबक चाहिए तैयार है जल तैयार है लेकिन हमारे सीमांकन नहीं है हमारा कोसी नदी के अति करना चाहिए हमारा गंडकी सब नदी के हमारा जब हम खाली धरती लग हम अति करब उ खाली धान लग हम प्रांत प्रांत के अति करब हम हमारे हमारा प्रांत उद्योग चाहिए कल कारखाना चाहिए जल चाहिए सब कुछ हमारा तब ना है प्रांत के लग अगारी बढ़ डेवलप होते वार्ता के कोनो उचित नहीं रह गए उ सब फूक देवे भाई सीमांकन तोरा सबके भ गल वार्ता वह भ गई जो हमरा सबके मेन झगड़ा सीमांकन के हवे हम सब पूरा सीमांकन लेब तब हम सब छोड़ब अला जे करोड़पति से हम सब रोड पर उतरल हम जनता गोली खा ला तैयारी छे कते गोली मारती लेकिन हमरा सबके मेन झगड़ा सीमांकन के सब अखन तक हम सब उतरल छी तभी अरे आम आदमी छोड़
सीमांकन तो पूरा टाइबे कर जे भी आदत में मरक कटी मरक तखन तो अबे नहीं करती हम सब तैयार छी मरो के आ मरबो करबी आप तो मारबो करबी सेहो बात काल के घटना तो देखी ले सर आई बाबा ताहि दुआरे एहिमे हम तो कोनो समझौता नहीं करब। खाद्यान्न संकलन तथा वितरण अभियान समिति जनकपुरक बंद से प्रभावित विभिन्न परिवारक व्यक्ति सबके शुक्र के भोर खाद्यान्न वितरण कलक है। समिति जनकपुरक रामानंद चौक स्थित राम जानकी सिनेमा हॉल में रहल समिति के कार्यालय में 650 बंद प्रभावित परिवार के व्यक्ति के खाद्यान्न वितरण कलक है। प्रति व्यक्ति 5 किलो के दर से चावल वितरण केने समिति के संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र यादव जानकारी करने से तराई मधेश में लंबा समय से जारी अधिकार प्राप्ति के आंदोलन से दैनिक मजदूरी कर दिन काटक के समस्या भेल परिवार के किछ हफ्ता के विराम पश्चात समिति राहन वितरण कलक है। ऐसे आगू मधेश आंदोलन से प्रभावित परिवारजन के लिए समिति संकलन केने खाद्यान्न से वितरण अभियान चलने छल। ओ अभियान अंतर्गत शुक्र दिन खाद्यान्न वितरण कैल गेल। प्रगतिशील मधेशी समाजक संयोजक समेत रहल डॉक्टर यादव बतलन अहि संगे समिति कार्यालय में गाम गाम से मधेशी जनता से संकलन भेल खाद्यान्न वितरण भ सम्पन्न भेल। डॉक्टर यादव जानकारी देने छथि आवश्यकता पड़ल त पुनः बंद प्रभावित सबक लेल संकलन वितरण अभियान जारी रखबाक डॉक्टर यादव के कहब छलनि। शुक्र दिन वितरण कार्यक्रम में समितिक सदस्य सब रविन्द्र यादव संजय यादव पत्रकार सेहो रहल समितिक सदस्य शैलेन्द्र महतो आ रविन्द्र मंडल के सहभागिता छल। ऐसे आगू बंद प्रभावित अति विपन्न घर परिवारक 10,000 से बेसी व्यक्ति सब के समिति खाद्यान्न वितरण करे छल। समिति जनकपुरक 3 स्थान लगायत महतरिक जलेश्वर सिराहाक लहान मिर्चैया आ बंदीपुर लगायतक ठाम ठाम में बंद प्रभावित सबके वितरण केने छल। त मधेश आंदोलन के शहीद घर परिवार तथा किछ घायल सबके सेहो 5 क्विंटल के दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने छल। जारी मधेश आंदोलन के समर्थन विद्यार्थी के पढ़ पाव के हक के सुनिश्चितता मधेश आंदोलन संबोधन का विद्यार्थी के पढ़ देव के वातावरण निर्माण लगायत के नारा सहित नमसाक तुलसियाही सब महतरिक मठियानी सिमरदही परसा पतेली सुगा आ जलेश्वर के सामुदायिक एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थी सब शुक्र दिन विशाल विद्यार्थी कड़ी निर्माण कलक है। बृहस्पति दिन प्याप्सन संगे कड़ी निर्माण के विभिन्न स्रोत जानकारी दिलाक बादो बृहस्पति दिन समय में सूचना नहीं अलाक कारण शुक्र दिन मात्रे निकालने सांगलों में सहभागी शिक्षक सब बतलने हम सब बृहस्पति दिन के कड़ी देख कर एकदमे प्रभावित भेल छी आ विद्यार्थी के अधिकार सुनिश्चितता के लिए हमरो सब के कड़ी निर्माण करे पड़त कह कर स्वस्फूर्त रूप में आई कड़ी निर्माण करे छी एक गोटे शिक्षक के कहब छलन। कड़ी में मठियानी के श्रीराम उच्च मावि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ज्ञान क्लव्य लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ श्री बैद्यनाथ देवनारायण जनता माध्यमिक विद्यालय तुलसियाई मावि सुगा जलेश्वर महेंद्र उच्च मावि जलेश्वर गणेश प्राथमिक विद्यालय लगायत के दर्जनों स्कूल के विद्यार्थी सबके सहभागिता छल। विद्यार्थी कड़ी धमसा के कलवहबा तुलसियाही महतरिक मठियानी जलसागर सुगा होत जलेश्वर के शंकर चौक धर करीब 12 किलोमीटर धर बनाल गल छल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत महतरी आ सरलाही के बीच में पड़े वाला बंके जंगल में पिकअप के ठक्कर से साइकिल यात्री के मृत्यु भेल। हेटौड़ा से जनकपुर आबि रहल J112-35 नंबर के पिकअप के ठक्कर देला से करीब 70 वर्षीय एक गोटे वृद्ध के मृत्यु भेल। प्रतिवास स्थित भोला बसंत चौक के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह बतौलन ठक्कर से गंभीर घायल भेल वृद्ध के उपचार के लिए ठक्कर देने पिकअप अस्पताल पहुंचा देने से घायल वृद्ध के प्रतिवास स्थित शुभ स्वस्तिक हॉस्पिटल में उपचार के लिए लबैत काल मृत्यु भेल। पिकअप में सवार सत्यनारायण साह बतौलन माथ में गंभीर चोट लागल हुनक रक्तस्राव के कारण मृत्यु भेल छल। सप्तरी प्रशासन राजविराजनगर क्षेत्र में लगौने निषेधाज्ञा हटौने अछि। विगत अघन 6 गते सप्तरी में प्रहरी के गोली से 3 गोटे आंदोलनकारी के मृत्यु भेलाक बाद सदरमुकाम राजविराज स्थित जिला के भारदा रुपनी में स्थानीय प्रशासन लगौने निषेधाज्ञा हटाओल गेल। प्रमुख जिला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट जानकारी देने छथि जिला के भारदा आ रुपनी में 9 बजे से 6 बजे धर के लिए लागल निषेधित क्षेत्र यथावते रहल बतबेदो सदरमुकाम राजविराज में स्थिति शांत देखल गेला से निषेधाज्ञा तत्काल के लिए हटाओल गेल बतौलन। तहिना पूर्व पश्चिम राजमार्ग के कोसी बैरज से बलान नदी धर आ गायघाट कदमाहा सड़क खंड के 500 मीटर में पड़े वाला उत्तर आ दक्षिण क्षेत्र में रात में 8 बजे से 7 बजे धर के लिए निषेधाज्ञा जारी रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौने अछि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई शुक्र दिन भारत प्रस्थान केने छथि। दोपहर 2:40 में जेट एयरवेज मार्फत से मुंबई उड़ल। भट्टराई के सहयोगी विश्वदीप पांडे
फेसबुक में लिखने छ। उनके अनुसार भट्टराई मुंबई में सैन दिन विश्व बैंक आयोजना करवाला नेपाल भारत के संबंधित विषय अंतरक्रिया कार्यक्रम में सहभागी हेता। विश्व बैंक के कार्यक्रम में भाग लेवा भट्टराई संगे कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हृदय त्रिपाठी से मुंबई पहुँचल छ। सैन दिन के कार्यक्रम में भट्टराई कार्यक्रम के संबोधन से करता बताओ गए। भट्टराई रवि दिन काठमांडू घूर के कार्यक्रम में अचानक भेल हुनक भारत भ्रमण के अर्थपूर्ण रूप में देखल जा रहा है। मुदा हुनक राजनीति भेंटवार्ता के कोनो विषय सूची सार्वजनिक नहीं कल गया। मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल सबक मांग अनुसार संविधान संशोधनक प्रक्रिया तत्काल आगू बढ़ाकर विश्वास के वातावरण तय भेल तो पारवाहन तथा आपूर्तिक स्थिति सहज हेत भारत सरकार प्रतिबद्धता जनौने। भारत सरकार नेपालक उप प्रधानमंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री संगे विश्वास आ प्रतिबद्धताक अड़ान मात्र दोहरौलने। दो महीना आगू नेपालक संसद में पेश भेल संशोधन प्रस्ताव के एखनुक स्थिति के विषय में जिज्ञासा रखने। परराष्ट्र मंत्री थापा आ भारतीय विदेश मंत्री स्वराज बीच दिल्ली में भेल भेंटवार्ता में सहभागी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जनौने। अधिकारी के अनुसार एखनुक अवस्था में संविधान संशोधन आ सीमांकन मामला में चित्त बुझ जका राजनीतिक सहमति देखब आवश्यक है। एमे दिल्ली के राखे वाला सरकार से बेसी आंदोलनरत मधेशी दल सब के सहमत होब पड़त भारत सरकार के कहब। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपालक लेल अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिज तथा बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस बीच भेंटवार्ता भेल। आई भोर में काठमांडू में भेल अलगे अलग भेंटवार्ता में जारी मधेश आंदोलन के मांग अवस्था विकसित वार्ता प्रक्रिया लगायत के विषय के समसामयिक राजनीति के विषय में अध्यक्ष आ राजदूत सब बीच छलफल भेल। छलफल में फोरम नेपालक अध्यक्ष यादव संविधान त्रुटिपूर्ण रहला से मधेशी थारू आदिवासी जनजाति दलित महिला लगायत सब नया संविधान में अपन अधिकार सुनिश्चित कराब के लिए आंदोलन के मांग आ अवस्था तथा ओकर सबके मांग प्रति संविधान जारीकर्ता तीन दल एवं सरकार के रवैया के विषय में राजदूत सबके जानकारी कराने। नेपाल के नया संविधान मधेशी थारू आदिवासी जनजाति महिला मुस्लिम उत्पीड़ित सीमांकृत लगायतक अल्पसंख्यक समुदाय के समेटन नहीं सकला से संविधान संशोधन कर सबके अधिकार सुनिश्चित कर राजदूत सब अध्यक्ष यादव के सुझाव देने। वर्तमान संविधान असमावेशी विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण रहला से ओ प्रावधान सबके सचिया के संविधान संशोधन के विकल्प नहीं रहा अमेरिकी राजदूत टेप्लिज आ बेलायती राजदूत मेरिस अध्यक्ष यादव के कहने बताल गया। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला संविधानक प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सहमतिक सरकार आवश्यक रहल मुंह खोलने छथि। नेपाल प्रेस यूनियन के काठमांडू शाखा शुक्र दिन काठमांडू में कैने अंतरक्रिया कार्यक्रम में कांग्रेस महामंत्री सिटौला संविधानक कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक आ राष्ट्रीय एकताक रूप सहमति सरकार सेहो बन सकबाक बतलन। कांग्रेस पार्टी अपने सहमति सरकार गठनक प्रक्रिया में सहभागी नहीं भलाक कारण दो महीना पहले बहुमतीय प्रक्रिया से प्रधानमंत्री चयन भेल में कांग्रेस महामंत्री सिटौला बहुमतीय सरकार से संविधानक कार्यान्वयन संभव नहीं रहल बतौलक। त्यसकारण यो संविधानको कार्यान्वयनमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिक एकता चाहिन्छ, पोलिटिकली नेसनल युनिटी चाहिन्छ। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेस वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा विश्वास कांग्रेस महामंत्री सिटौला देश के राजनीति में प्रभाव पारे वाला प्रमुख शक्ति सबके एक ठाम में नहीं आब धरि स्वतंत्र रूप में निर्वाचन से हो बन नहीं सकबाक बतौलन। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार मंत्री शेरधन राय भारत लगौने घोषित नाकाबंदी एक हफ्ता भित्रे हटबाक दावी कयने छथि। गृह जिला भोजपुर में पत्रकार सब संगे बातचीत करैत नाकाबंदी अंत कर सरकार पहल कर रहल आ एक हफ्ता भित्रे में समस्या के समाधान भक नाकाबंदी समेत हट जायत ओ विश्वास व्यक्त कलन। नाकाबंदी से नेपाली नमहर कष्ट झेल पड़ रहल रहितो सहनशील होत सरकार कोनो हालत में भारत समक्ष नहीं झुकत ओ दृढ़ता व्यक्त कयने छलन। नाकाबंदी आ तराई आंदोलन से सृजना भेल विषम परिस्थिति में सेहो सरकार अधिकतम विकल्प अपना के उपभोग्य वस्तु के सुरक्षित ढुवानी आ वितरण में प्रयत्न कर रहल हुनक दावी छलन। सत्तारूढ़ नेकपा एमाले संविधान संशोधन विधेयक आगू बढ़ावे के आ प्रदेशक सीमांकन हेरफेर के विषय में राजनीतिक समिति गठन करबाक निर्णय कलक।
प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमै शुक्र दिन बैसल एमाले स्थायी समिति बैसार राजनीतिक समिति गठन गरेर सीमांकन हेरफेरके विषयमा सहमति जुटाव अग्रसरता लेबाक तथा संविधान संशोधन विधेयक आगु बढाउल जेबाक निर्णय कलाकै छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाक माग सम्बोधन गर कहित कंग्रेस नेतृत्वक पछिल्का सरकार संसदमै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने छल, मुदा कंग्रेसके अडानके बावजुद सरकार विधेयक आगु बढाव अस्वीकार गरेत आयल छल। ऐना सत्तारूढ दल सभक उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिक संयोजक पुष्पकमल दाहाल करिब एक महिना पहिनै राजनीतिक समिति गठनक प्रस्ताव केनेमे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा प्रस्ताव अस्वीकार केने छल। एमाले मधेस आन्दोलन संविधानके कार्यान्वयनसँ जोड़ल गेल राजनीतिक समस्या भेल कहित सीमांकन हेरफेरके विषयमे राजनीतिक सहमति जुटाव अग्रसरता लेबके निर्णय कयलक अछि। एमालेक स्थायी समिति संविधान कार्यान्वयनके विषयमे जनमत तयार कर या अघने कैसा 22 गते चितवनमे विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला करके निर्णय सेहो केने पार्टीक स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल बतौलने छ। उत्पन्न भएको विवादका सन्दर्भमा राजनीतिक समिति बनाएर चाहिँ समाधान गर्नका लागि अग्रसरता लिने भन्ने कुरामा पार्टीका तर्फबाट चाहिँ पहल गर्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याहरू, खास गरी तराई मधेसमा उत्पन्न भएको समस्याहरू र त्यसका सन्दर्भमा पार्टीको दृष्टिकोण तयार गर्न र संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चाहिँ जनमत तयार गर्ने हिसाबले 21 र 22 गते चितवनमा चाहिँ विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ। समिति बैसार्छ पूर्व सभामुख सुभाष नेम्बाङके केन्द्रीय सदस्यमे मनोनित गरे स्थायी समिति सदस्य बनाओल गेल अछि। नेम्बाङके जिम्मेवारी नै तोक्ने अछि। बैसार पार्टीके विदेश विभाग प्रमुखके जिम्मेवारी नेता माधव नेपालके देने अछि। विदेश विभागक प्रमुखमे नेपाल आ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दुनू दावी कयलासँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मावली विभाग नेतृत्वविहीन अवस्थामे रखने छलथि। स्थायी समितिक बैसारसँ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालके नीति तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख बनाबके निर्णय कयलक अछि। वन तथा भू संरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा दल्की पीडित सबके घर निर्माणक लेल 90% छुटमे आवश्यक काठ उपलब्ध गरेबाक दावी कयने छथि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल शुक्र दिन आयोजना केने साक्षात्कार कार्यक्रममे ओ कहलनि दल्की पीडितके आवास निर्माणक लेल काठ उपलब्ध कराबके कार्ययोजना तयार भेल अछि। ई योजना कार्यान्वयनमे अयलाक बाद 90% रकम छुटमे काठ उपलब्ध करायब। मन्त्री सापकोटा सीमा अवरोधसँ खाना बनाबयवला ग्यासके समस्या भेलाक बाद तत्कालके संकट टार सरकार जारैन वितरण केने बदबैत सर्वसाधारणके राहत देब जारैनमे मोल घटाबके विषयमे सेहो आन्तरिक तयारी भ रहल जानकारी करौलनि। रुपैया नेपाल गञ्जनाका सिलबन्दी कयल गेल अछि। भारत बहराइचमे शनि दिन होबय लागल स्थानीय निकायके निर्वाचनके मध्यनजर करैत नाका सिल केने बदाओल गेल अछि। शुक्रके साँझमे 6 बजेसँ शनिके साँझमे 6 बजे धरि नाका सिल करबाक कहल गेल होइतो भारतीय पक्ष भोरेसँ नाका सिल केने बताओल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा भारतीय पक्ष भारतसँ नेपाल दिस आबय लागल नेपाली नम्बरके आ नेपालसँ भारत दिस गेल भारतीय नम्बर गाडीके प्रवेश देने अछि। बहराइचके निर्वाचनके मध्यनजर कऽ दुनू दिसके सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयल गेल अछि। मधेसमे अलगे दू प्रदेशक माग सहित 3.5 महीनासँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आन्दोलन करैत आयल बीरगंजमे राज संस्था पुनर्बहालीके माग लऽ कऽ एकटा दोसर आन्दोलन शुरू भेल अछि। नेपाल विद्वत परिषद, नेपाल राष्ट्रवाद संघ, राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समिति, राष्ट्रभक्त देशभक्त समूह लगायतक संघ संस्था आ समूह मोर्चाक अवरोधके बावजूद शुक्र दिन बीरगंजमे राज संस्था पुनर्बहालीके माग सहित प्रदर्शन केने अछि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रके तस्वीर अंकित बैनर सहित जुलूस प्रदर्शन करके क्रममे राज संस्था पक्षधर आ मधेसी मोर्चाका एक कार्यकर्ता बीच सामान्य झड़प सेहो भेल छल। घंटाघर चौक पर जमा भेल राज संस्था पक्षधर सब रखने बैनर मोर्चा कार्यकर्ता पुलिस के सामने में नियंत्रण में लक फारने छल, मुदा मोर्चा के अवरोध के बादो राज संस्थावादी सब पाछा नै हटल। ओ सब राजा आओ देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र कायम कर, नया संविधान खारिज कर, 2047 साल के संविधान लागू कर लगायत के नारा सहित जुलूस प्रदर्शन कयने छल। जुलूस प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी सब जिला प्रशासन कार्यालय में पहुँच कर पर्चाक निमित्त प्रमुख जिला अधिकारी अनुज भंडारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने आयल। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी एहि वर्षके SLC परीक्षा चैतके अन्तिम सप्ताह सञ्चालन करबाक तयारी कयलक अछि। बीतल वर्ष चैत 5-16 गते धरि सञ्चालन भेल परीक्षा एहि वर्ष विनाशकारी दल्की आ मधेस जन आन्दोलनके कारण पढ़ाई प्रभावित भेलाक बाद किछु दिन आगू घुसकाबके तैयारी कयल जा रहल अछि। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु बहादुर द्वारे परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विगतके वर्ष सब जकाँ
समयमै परीक्षा सञ्चालन गर जकात तयारी केने होइतो दल्किया मधेस आन्दोलनके कारण किछु दिन परीक्षाक समय आगू बढाउल जेबाक बाध्यता रहल बताउनाइ छ। मोरङके 79 गोटे माओवादी कार्यकर्ता सब डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वक नयाँ शक्तिमा प्रवेश केने छ। प्रचण्ड नेतृत्वके माओवादी राजनीतिक आन्दोलनके क्रममा सकारात्मक भूमिका निर्वाह केने रहितो राष्ट्रके समृद्धिके दिशा दिस आगू बढाव नै सकल ठहर करैत माओवादी परित्याग केने तेजलाल कर्ण बतौलने छ। माओवादी परित्याग करबलामे देवराज भण्डारी, खेमराज प्रधान, तेजलाल कर्ण, वासुदेव बराल आ भरत दहाल लगायतके छथि। नेपाल मानव अधिकार संगठन मधेस आन्दोलन सरकाब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेहो एकटा मुख्य भूमिका खेल्ने आरोप लगौलने छ। मानव अधिकारके अवस्था बुझके क्रममे मधेसक विभिन्न 8 जिल्लाक स्थलगत अवलोकन केने संगठन शुक्र दिन काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलनका मधेस आन्दोलन गाउँ तह धरि फैलल आन्दोलन सब व्यापकता पाबमे प्रधानमन्त्री ओलीक आन्दोलन विरोधी अभिव्यक्ति सेहो एकटा कारण रहल बतौलकै छ। संगठनक अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीके अभिव्यक्ति वातावरणके आओर बिगार्ने आन्दोलन चर्काउने बतौलन। संगठन प्रधानमन्त्री ओलीके मधेसी जनताप्रति उदार, विनयशील आ जिम्मेवार हेब तथा आन्दोलनके विषयमे सरकारके दिशसँ समान धारणा सार्वजनिक करबाक पद्धति लागू करब सुझाव देलने छ। संगठन प्रमुख तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कंग्रेस आ एकीकृत नेकपा माओवादी मधेस आन्दोलनप्रति गम्भीर नै भेल निष्कर्ष सहित पर्याप्त गृह कार्यक मध्यस्थकर्ता समेतके राखिकऽ आन्दोलनकारी सब संग वार्ता कर सुझाव देलक अछि। संगठन आन्दोलनके हिंसात्मक नै बनाब आ दवाई ईंधन जेहन अति आवश्यक सामग्रीके आयात नै रोक आन्दोलनकारी सबके सेहो सुझाव देलक अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मधेस आन्दोलनमे अनुगमनके लेल खटौने अपन 5 टोलीके फिर्ता बजाउने अछि। बृहस्पतिदिन सर्लाहीके नवलपुरमे आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाके कार्यकर्ता सब आयोगके कर्मचारी पर आक्रमणका गाडी समेत जलौलाक बाद आयोग शुक्र दिन एहन निर्णय केने छ। आयोग संविधान प्रदत्त दायित्व निर्वाह कर सकबाक वातावरण नै होबय धरिके लेल एखन अनुगमनमे रहल टोलीके यथास्थानसँ फिर्ता बोलौने जनौलक अछि। अनुगमनमे खटल मन्दिरा श्रेष्ठ, विभा ढुङ्गाना आ श्रीराम कार्की सहितके आयोगके टोली उपर नवलपुरमे आन्दोलनकारी सब आक्रमणका गाडी क्यामरा, महत्वपूर्ण कागजात आ अनुगमनमे प्रयोग केने ज्याकेट समेत जला देने घटनाके आयोग भत्सना केने अछि। बृहस्पति दिन मधेसी मोर्चा सर्लाहीके राजमार्गमे परवला नवलपुरमे शक्ति प्रदर्शन केने छल। आयोगके शुक्र दिन बैसल आकस्मिक बैसारसँ मानवीय सेवामे खटल व्यक्ति उपर आक्रमण, तोड़फोड़ आ आगजनी करबाक तथा क्षति पहुँचाबयवला व्यक्तिके कानून बमोजिम कार्यवाही करत सरकारके आग्रह समेत केलक अछि। आयोगके सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अंसारी द्वारा जारी विज्ञप्तिमे मानवाधिकार आ संरक्षक संचारकर्मी आ मानवीय सेवामे काज करयवला व्यक्ति तथा निकायके सुरक्षा आ संरक्षणके लेल सरकार एवं सम्बन्धित निकायके ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ NRLA सरकारके 50,18,000 रुपैयाँ बराबरके दवाई सहयोग कयलक अछि। मधेसी मोर्चाके नाका अवरोधके कारण दवाईके अभावमे रोगीके मृत्यु होबयके अवस्था उत्पन्न भेलाक बाद NRLA सरकारके 50,18,000 रुपैयाँ बराबरके जीवन रक्षक दवाई सब सहयोग कयने अछि। NRLA सरकार आ सम्बन्धित अस्पताल सब देने सूचीके आधारमे विशेषज्ञ चिकित्सकके सहभागितामे दवाई खरीद कऽ कऽ सरकारके हस्तान्तरण कयने अछि। NRLA के अध्यक्ष श्री घले शुक्र दिन स्वास्थ्य सेवा विभागके एक समारोह बीच स्वास्थ्य राज्य मंत्री मोहम्मद मुश्ताक आलमके दवाई हस्तान्तरण कयलनि। स्वास्थ्य राज्य मंत्री आलम NRLA उपलब्ध करौने दवाई रोगीके जीवनसँग जोड़ल गेलासँ मंत्रालय तत्काल अभाव भेल स्थानमे पठाओत बतौलनि। 5,18,000 हामी एकदमै सिरियस छ। हिजो पनि मिटिङ हाम्रो डिजी साहबको साथमा भएको हो। कुन विकल्प लगाएर कुन बाटो रोजेर हामी यो औषधि तुरन्तै पुरा राष्ट्रमा हामी वितरण गर्ने, किनकि यो गैस जस्तो होइन, यो हाम्रो के अरे गैस तेल जस्तो होइन। NRLA के अध्यक्ष घले शुक्र दिन हस्तान्तरण कयल गेल दवाईसँ काठमाडौँ आ काठमाडौँ बाहरके क्षेत्रीय अस्पतालके 6 हप्ता धरि पहुँचत अनुमान कयल गेल बतौलनि। NRLA एहिसँ पहिने ही स्वास्थ्य मन्त्रालय आ नेपाली सेनाक सहयोगमे 63,74,000 रुपैयाँ बराबरके दवाई विभिन्न जिल्लाक अस्पताल सबके सहयोग केने छल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण आइसँ लोड सेटिङके समय बढौलक अछि। आब दैनिक 9 घण्टा धरि बिजुली नै आउत प्राधिकरण जनाउने अछि।
भोर आ साँझ के खाना बनाब के समय में बेसी लोड सेटिंग होबय लगला के बाद विद्युतीय उपकरण में खाना बनाब वाला उपभोक्ता के थप समस्या भेल छ। गैस नहीं भेटला के बाद विद्युतीय चूल्हा आ उपकरण प्रयोग कने उपभोक्ता विद्युत अनियमित भेला से ऐसा आगू से समस्या भोगत आयल छल। विद्युत प्रणाली में भार बेसी बढ़ल दलकी के कारण क्षति भेल, विद्युतीय गृह संचालन नहीं भेल आ नदी में पानी के सतह घटला से लोड सेटिंग के समय बढ़ाओल गेल प्राधिकरण जनौने अछि। एहि बरखक डॉक्टर बलराम जोशी ज्ञान विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार चिकित्सक भगवान कोइराला के प्रदान कयल गेल अछि। डॉक्टर बलराम जोशी ज्ञान विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिष्ठान शुक्र दिन काठमांडू में एक समारोह का चिकित्सक कोइराला के पुरस्कार प्रदान कयलक अछि। प्रतिष्ठानक अध्यक्ष अंगूर बाबा जोशी पुरस्कार प्रदान कयलनि। पुरस्कार के राशि 50,101 रुपया अछि। प्रतिष्ठान 25,101 रुपया राशि के डॉक्टर बलराम जोशी सुयोग्य शिक्षक पुरस्कार, प्राध्यापक सरस्वती प्रसाद रिमाल आ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पंत पुरस्कार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी के प्रदान कयने अछि। अहिना अपांग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रक निर्देशक डॉक्टर विवेक बास्कोटा के चंद्र कुमारी हिमालय राज जोशी स्वास्थ्य सेवा सम्मान तथा नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषदक उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल के दीप कुमारी पीताम्बर प्रस्ताव प्रसाद पंत समाज सेवा सम्मान प्रदान कयल गेल अछि। सम्मान बापत डॉक्टर बास्कोटा आ गोयल के सम्मान पत्र आ जनही 25,101 रुपया प्रदान कयल गेल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका लड़ाकू सैनिक में महिला के सेहो अवसर देबाक घोषणा कयलक अछि। अमेरिकी रक्षा मंत्री एस कार्टर लड़ाकू सेना में काज करय के अवसर आब महिला सेहो पाओत दावी कयने छथि। ओ महिला सेहो बख्तर बंद गाड़ी चलाब सकबाक, मोटर से गोली भर सकबाक सक्षम रहल बतौलने अछि। ओ युद्धक समय महिला सैनिक के नेतृत्व सेहो कर सकबाक बतौलने अछि। रक्षा मंत्री 2,20,000 महिला के लड़ाकू सैनिक में भर्ती कर सकबाक बतौलक अछि। ओ अमेरिकी सेना में होबय लागल अइ व्यवस्था के ठोस रूप में आगू बढ़ाब सशस्त्र बल के 30 दिनक समय देने अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। भ्रष्टाचारक आरोप में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन फीफाक अन्य 16 गोटे पदाधिकारी ऊपर सेहो मुद्दा दायर कयलक अछि। फीफा में भेल भ्रष्टाचार के अनुसंधान कर रहल अमेरिकी अधिकारी सब अन्य 16 गोटे फीफाक अधिकारी सेहो भ्रष्टाचार में संलग्न पाओल गेल बीबीसी जनौलक अछि। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफाक दू उपाध्यक्ष पकड़ाओ पड़ल। किछु घंटा भीतरे थप 16 गोटे ऊपर सेहो मुद्दा चलाओल गेल अछि। अमेरिकी अधिकारी के आग्रह में फीफाक दू गोटे के पकड़ाओ कयल गेल अछि। 16 गोटे फीफाक पदाधिकारी के भ्रष्टाचार के योजना बनौने, पद के दुरुपयोग कयने आरोप में मुद्दा चलाओल जायत। भ्रष्टाचारक अनुसंधान करब, पूर्ण सहयोग करब फीफा जनौलक अछि। फीफा में अखन भ्रष्टाचार भेल विषय में छानबीन व्यापक भ रहल अछि। अध्यक्ष से ब्लाटर आ उपाध्यक्ष मिचेल प्लाटिनी ऊपर सेहो भ्रष्टाचार कयने आरोप लागल अछि। दुनू गोटे के फीफा 90 दिन के प्रतिबंध लगा देने अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। नेपालक राजनीति में नया मोड़। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चाक चारू शीर्ष नेता दिल्ली जैता, वार्ता स्थगित। कांग्रेस कहने जका संविधान संशोधन कर तीन दल सहमत। पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराय आ तमालोपाक नेता त्रिपाठी भारत गेला। प्रधानमंत्री ओली के कारण देश आ मधेश में जटिलता बढ़ल आ आंदोलन सर्कल मानवाधिकार संगठन के ठहर। आब देश में राष्ट्रीय सहमतिक सरकार आवश्यक भ गेल, कांग्रेस महामंत्री सिटौला के कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।